चली गई, मेरी बेटी चली गई। मम्मी इस तरफ। मैं जानती हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहेगा पुकुर, पर थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ देना। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगी और जल्दी मेरे पास वापस आ जाएंगी। प्रॉमिस। क्यों भगवान, क्यों मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरी मम्मी को दर्द दिया, अब उसे डील करने की शक्ति भी दीजिएगा। और मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो समर, समर अनुपमा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इज शी ऑल राइट? नहीं मतलब तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना मेरी वजह से? व्हाट, चली गई अनुपमा? घर छोड़ के चली गई? इसके पहले भी घर में झगड़े हुए हैं, इसके पहले भी मैंने गुस्सा किया है, उसे पलट के जवाब भी दिया है, पर बाद में सब ठीक हो जाता था। पर इस बार तो वो घर छोड़ के चली गई, और घर छोड़ते वक्त उसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आया। जिस परिवार में उसकी जान बसती है उसे इतनी आसानी से छोड़ के चली गई? मम्मी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। आई डोंट अंडरस्टैंड यू गाइस, आप लोगों को अनुपमा से भी प्रॉब्लम है और उसके ना होने से भी प्रॉब्लम है। आखिर आप लोग चाहते क्या हो कि इस घर में रोज रोज तमाशा होता रहे? अरे अच्छा है ना कि वो चली गई, अब घर में शांति तो बनी रहेगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अनुपमा के ना होने से ना इस घर में कुछ बदलने नहीं वाला है। अनुपमा सैड क्यों है? बोलो ना, अनुपमा उदास क्यों है? मैं कृष्णा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे टेल मी, रो क्यों रही हो? अब ये तो तुम बताओगी अनुपमा कि एक ही बेडरूम में पराए मर्द के साथ तुमने कितना लिहाज रखा? अरे काजल की कोठरी में गई थी तो दांत तो लगा के ही लौटी होगी। सब ठीक
ठीक हो जाएगा अनुपमा, मैं हूँ ना। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मेरी अम्मी कहती है रोना बुरी बात है, तो मत रो। कान्हा जी ने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे चुप करूं? आशीर्वाद दूं? हे जी जी रे तत 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 तथास्तु। मैं इतना रो रहा हूं कान्हा जी, एक एक आंसू तो आपने भी बहाया होगा। आज आपकी मासूरी से सिर्फ और सिर्फ दर्द निकला होगा। ये भोग भी आज आपको फीका लगा रहा होगा, है ना? ना उसे पिता रोक पाया, ना परम पिता रोक पाया, क्योंकि दोनों जानते थे उसके जाने में ही उसकी भलाई है, और दोनों ये भी जानते हैं वो जहां भी रहेगी खुश रहेगी। अब दोबारा नहीं रोना। नहीं रोऊंगी। आपने कह दिया ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मुझे एक नई उम्मीद है, नई हिम्मत देने के लिए। थैंक यू। कीप स्माइलिंग अनुपमा, कान्हा जी हमेशा आपके साथ है। ओके ओके। चलो बेटा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है। आया अम्मी। बाय अनुपमा, रोना मत। हाँ वो लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे जिन्होंने मेरी अनुपमा का अपमान किया है। जिन्होंने उसे ये घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है, वही लोग एक दिन उसके घर वापस आने की भीख मांगेंगे। अनुपमा वापस आए ना आए, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। और जब तक वो दिन नहीं आता, जब तक इस घर के लोगों के मन का अंधेरा उजाले में बदल नहीं जाता, तब तक ये अखंड ज्योत ऐसे ही जलती रहेंगी। ये एक पिता का संकल्प है। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।